के कार्यकारी संपादक संजीव जी भी हैं और शायद नैतिकता को लेकर कुछ उनकी भी कुछ जिज्ञासा होगी राजन जी से, क्योंकि वो उनके साथ आजकल काम में हैं, जुड़े हुए हैं। राजन जी से मैं जब कहता हूँ कि ये तो थोड़ी दिक्कत पैदा कर रही है कहानी, कहते हैं कहाँ दिक्कत पैदा कर रही है, तो ये एक राह इन्होंने खुद बनाई। हर आदमी अपनी राह बनाता है। मैं समझता हूँ ये राह बनाने का काम तब से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो उठा इनके लिए जब से इन्होंने, शायद मेरा ख्याल 86 से हंस शुरू हुआ, जब इन्होंने एक इंच मुस्कान के बाद अपनी औकात समझ ली कि मन्नू भंडारी जी में जो तरलता है वो इनमें नहीं है। इनका गति जो है, खासकर कथा साहित्य जो है, वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, रवाकरण उसमें हो रहा है, उसमें वो तरलता नहीं आ रही। यानी वो बीच से विचार आ रहे हैं, विचार यानी कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए जो साहित्य के माध्यम से नहीं बदल सकती, और जो कहना चाहते हैं वो साहित्य के माध्यम से नहीं कह पा रहे हैं। तो हो सकता है हंस के माध्यम से इन्होंने कहना चाहा हो, और इसमें आप सब जानते हैं सफलता मिली है। कहानियों का जहाँ तक संबंध है, मैं उस बिंदु पर आकर खड़ा होता हूँ जहाँ से राजेंद्र यादव जो नई कहानी के शिखर पुरुष तीन जो थे उसमें से त्रिशूल, मैं कहता हूँ कभी कभी मजाक में ये त्रिशूल है, तो तीन तिलंगे भी कहा, हाँ तीन तिलंगे, तीन मस्कीटियस भी इन्होंने जो हो हल्ला मचा कर रखा था, तो उसमें कुछ कहानियाँ अच्छी आई निश्चित रूप से। लेकिन वो जो मुकाम आते आते हासिल पर जो आकर रुका, तो हासिल का हासिल क्या रहा, वो नैतिकता का सवाल यहाँ आके रुकता है कि क्या राजेंद्र जी हंस के माध्यम से हासिल जैसी कहानियाँ देना चाहते थे, क्या मॉडल उन्होंने डेवलप किया है? मुझसे पूछ रहे हो?
जी पहली बात तो मैं बता दूं, एक बात बताऊं, धीरे धीरे मुझको ऐसा रियलाइज हुआ कि कंजर्वेटिव होना और नैतिक होना दो अलग चीजें हैं। कभी कभी जिन्हें हम नैतिकता मानते हैं वो हमारे पुराने अभ्यास हैं, एक नैतिकता नाम की सुनी सुनाई चीज के बने बनाए कन्वेंशंस। जो मैं जिसको नैतिकता मानता हूँ उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे पास एक हमने कहानी छापी थी ज्योति संघ की, उसका नाम था करेक्टर। यहाँ से एक लड़का बड़ा सात्विक, बड़ा नैतिक, बड़ा धार्मिक और बड़ा मतलब हर बात में स्क्रिप्चर्स कोट करने वाला जर्मन चला गया। जर्मनी में वहाँ जिस जगह पेइंग गेस्ट वो बन के रहता था वो एक पेंटर का घर था, तो उनसे आपस में काफ़ी निकट हो गए। वो जो महिला थी, जो जर्मन लेडी थी, उसके साथ उसके संबंध हो गए। एक बार ऐसा हुआ कि इसका पेंटर का एग्जीबिशन लगी हुई थी और अचानक ही उसे खबर मिली कि उसे किसी दूसरे शहर जाना है। उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो घर चला जाए। इसने इस लड़के से कहा, हिंदुस्तानी से जिसे इंडियन मतलब धार्मिक बार में कहते थे, उसे कहा कि देखो ऐसा है मुझे जाना पड़ रहा है, तुम इस मेरी बीवी को घर छोड़ देना। घर छोड़ने आए तो उसने कहा किस तरह से हुआ, वो उसके कमरे पर आ गई दोनों वहाँ और दोनों बिस्तर पर, मैंने कहना चाहिए कि बिस्तर पर हैं दोनों एक साथ हैं, नग्न हैं। अचानक फोन आया उसका, उस पति का, दूसरे शहर से कि क्या लौरा यहाँ है। तो उसने कहा नहीं, लौरा यहाँ कहाँ है, उसको तो मैं छोड़ दिया था, रख दिया गया। दोबारा फोन आया कि देखिए देख लो जरा सा कहीं आसपास हो, लौरा यहीं होनी चाहिए। उनका नहीं। तीसरी बार उसका फोन आया पति का, उसने कहा देखिए लौरा इज ए वूमन ऑफ करेक्टर, शी टोल्ड दैट शी विल बी देयर विद यू। करेक्टर मैं ये मानता हूँ, है ना, करेक्टर एक खास तरह का कन्विक्शन है जिसका सेक्स वैसे कोई लेना देना नहीं, ना उस तरह की मान्यताओं से। दिक्कत क्या है कि नैतिकता को हमने केवल कुछ संबंधों तक सीमित कर दिया है, और वो भी खासतौर सेक्स संबंधों तक। इसके अलावा आप झूठ करिए, कुछ करिए, फलाना करिए, जो भी कुछ है वो नैतिक नहीं है, अनैतिक वही है, इससे मुझे आपत्ति है। मगर उसके बावजूद जब ये हासिल का नाम ले रहे हैं तो वहाँ आप भी हासिल को, हासिल को बहुत अच्छी तरह नहीं कह रहे, हासिल को कंडम करते हुए कि हासिल जैसी वही का मतलब नहीं, एक वही संजीव जी कह रहे हैं कि आप हासिल तक पहुंच रहे हैं उस पूरी नैतिकता को लेकर, तो वहाँ भी एक पुरुष है, वृद्ध पुरुष है और एक लड़की है, उसके बीच के वो संबंध है और वहाँ कोई चोरी और कोई सूदखोरी नहीं है। सवाल संबंधों का नहीं है, सवाल अगर हासिल की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसेंडेंस की, एक सेक्स के ऊपर उठ सकने की कहानी, मैं नहीं समझता कि कोई हल्की कहानी है। चित्रण हो भले ही कुछ क्या है, कहानी पर पंडित जी आप ना बोले तो अच्छा है। क्या है, मैं कहानी पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं राजेंद्र यादव के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये देखिए सेल्फ डिफेंस के मास्टर हैं। अच्छा, आप इनकी 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 रचना की आलोचना करके देखिए। भैया हम सब यहाँ बैठ कर सेल्फ डिफेंस करेंगे। वही वही वही, मुझे एक इस गंभीर चर्चा को मैं दूसरी ओर ले चलना चाहता हूँ, थोड़ा उसको हल्का फुल्का भी बनाइए। हमारे यहाँ विभाग में एक महिला थी, सावित्री चंद शोभा, सावित्री चंद शोभा नाम था। उन्होंने एक कहानी पर सेमिनार किया, यही 35 फिरोसा रोड। अच्छा, मैडम जो थी समकालीन कहानी आदि के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी, अब वो सेमिनार कर रही थी तो खड़ा हुई भाषण देने, लिखित पढ़ने के लिए। तो वो समकालीन या पीछे की, उनके लिए 10-20 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले लिखा के बाद में लिखा, कुछ कहानियों का नाम सुनाना शुरू किया। तो कहा कि एक अच्छी कहानी है राजेंद्र यादव की, लक्ष्मी जहाँ कैद है।
तो हुआ ये कि बीच में बैठे हुए थे भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव जी बीच में से बोले कि नहीं नहीं मैडम ये नाम नहीं है कहानी का। तो ऊपर से मैडम ने पूछा कि क्या नाम है, तो कहा कि मन्नू जहाँ कैद है। और सचमुच उसके बाद 3 बार मैडम ने मन्नू जहाँ कैद है। मैं राजेंद्र यादव से बात ये करना चाहता हूँ कि राजेंद्र यादव पिछले 20 साल से स्त्री स्वाधीनता पर मैं लगातार उपदेश दे रहा। दलित भी नहीं, नहीं दलित तो अलग, पहले स्त्री पर बात कर ले फिर दलित साफ की है। नहीं नहीं दलित आप अपने स्वाद सुविधा के लिए एक को आइसोलेट कर रहे हैं। देखिए दलित पर अलग बात करेंगे हम, विस्तार से दोनों पर बात करेंगे। आप दोनों को मिला क्यों रहे? नहीं नहीं देखिए जितने अलग अलग, सुनिए जितने दिन से दलित विमर्श से राजेंद्र यादव का संबंध है, दुर्भाग्यवश उतने ही दिन से मेरा भी संबंध जी बिल्कुल, इसलिए कि इन्होंने ही मुझे उसमें घसीटा था। पहला सम्मेलन राजेंद्र यादव ने करवाया था और इन्हीं की के हुक्म से मैंने उसमें लंबा भाषण दिया था जो हंस में छपा भी है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं कि दलित विमर्श पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये दोनों, इनके महत्वपूर्ण योगदान है इन दोनों के बारे में जो बहस चलाई। पहले स्त्री के वाली बात कर रहा हूँ, मैं केवल ये इस प्रसंग का उल्लेख इसलिए किया कि भैरव प्रसाद गुप्त ने जो कुछ कहा क्या ऐसा है कि गलती से सही बात कह दी उन्होंने, इस बारे में राजेंद्र यादव की क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात ये तो जो स्मार्ट शब्द होते हैं और स्मार्ट सेंटेंसेस, उसी तरह का मनु सब जानते, मनु को मैं कहाँ कैद करूँगा किस तरह करूंगा, और सवाल ही नहीं। सुनिए मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मंडू ने अपनी पूरी आत्मकथा लिखी है। डिरेल कर रहा हूँ? नहीं नहीं डिरेल नहीं कर रहा हूँ, आप जिस तरह डिरेल तो आप कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि मंडू ने पूरी अपनी आत्मकथा लिखी है। हाँ तो उससे जो बात निकलती है उससे ये लगभग भैरव जी की बात सही साबित होती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये जानना चाहता हूं। मनु ने मेरे बारे में नहीं लिखा, हाँ। मनु ने पति के बारे में लिखा है, एक ऐसे पति को जो गैर जिम्मेदार है, हाँ। जो मैं नहीं था वगैरह। सुनिए क्या मैंने गैर जिम्मेदार नहीं थे कि पति नहीं थे? बात सुनो यार, सुनिए है ना, मनु ने कहीं नहीं लिखा कि मैं मतलब मेरे लेखन को अप्रिशिएट ना किया हो, ऐसा नहीं है। पति की है तो कौन सी पत्नी है आज आप बताइए, कौन सी पत्नी है जो अपने पति का जय जयकार करती हो दुनिया की, एक बात बताइए, ट्रांसफर करती हो या किसकी करती है? शिकायतें ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि पत्नियां अपराधी हो गई? नहीं, संबंध इस तरह का है? नहीं नहीं संबंध इस तरह का नहीं, वो संबंध इस तरह का है जहाँ पर देखिए निश्चित रूप से शिकायत होंगी और जहाँ शिकायत नहीं होगी वहाँ संबंध बहुत आर्टिफिशियल होंगे। नहीं 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 देखिए जिस नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, हाँ, वो मतलब वो अब हम आए, हाँ, जी जी आइए, कि वो स्त्रियों के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है क्या? देखिए एक बात बताऊं, मनु ने उसमें आपसे एक सवाल पूछा है और उसका जिक्र उसने कई जगह किया, पहले एक टुकड़ा लिखा था उसमें किया था, किया है उसने, सीधा सवाल पूछा है। सुनिए मनु ने सीधा सवाल ये पूछा था कि जो आप कर रहे हैं अगर मैं करूं तो आपको कैसा लगेगा? तो आप, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने कहा था कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। अब नैतिकता की सुनिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं उन संस्कारों का, उन सामंती संस्कारों का प्रोडक्ट हूं और जिसको मना कर सकता हूं या जिसे ओपनली कन्फेस कर सकता हूं कि यस मैं था, मैं इस तरह का पति था, शायद स्त्री बर्दाश्त नहीं, स्त्री की इस तरह का चीज़ें नहीं बर्दाश्त। सब चीज़ें एक झटके से नहीं होती, एक प्रक्रिया होती है, आप उस प्रक्रिया को समझिए कि क्या मैं उस प्रक्रिया का शिकार था, क्या वहाँ से मैंने उसे बाहर निकलने की, उस प्रक्रिया में आने की कोशिश नहीं की कि एक दिन तय करता कि ऐसा हो जाऊंगा और कल से ऐसा हो गया, ये नहीं होता है। मुझे लगता है कि नैतिकता का जो सवाल है इसको बहुत नैरो डाउन कर दिया गया है। लेखन की नैतिकता या लेखन का विवेक से मेरा तात्पर्य था, जो संजीव जी ने बहुत ही उसको डिरेल कर दिया ऑलमोस्ट। मेरा कहना यह है नैतिकता का मतलब यह है कि जैसे युद्ध और शांति उपन्यास है, वो जो भावना है कि गलत क्या है और सही क्या है का वो ये सापेक्ष नहीं है। ये सापेक्ष इसलिए नहीं है कि वो मानवता के पक्ष में जाता है या विपक्ष में जाता है,
इससे वो निर्धारित होता है और उससे हम उसको फैसला करते हैं। तो एक तो बात, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि इससे आपका जो पूरा का पूरा साहित्य के बारे में दृष्टिकोण है, क्या उसका महत्व है या नहीं है, वो हो जाता था। इसलिए मैं चाहता था कि आप इसको स्पष्ट करें। जब हम मानवता के पक्ष में जाता है या नहीं जाता है तो वहाँ तक तो ठीक है कि एक मानवता एक आइडिया, एक फिलोसफी की तरह से आप उसके पक्ष में जाते हैं। साहित्य और कहानी या कहानी उपन्यास उन्हीं चीज़ों को जिन्हें हम ब्रॉडली और एब्स्ट्रैक्टली समझते हैं उनको कंक्रीटाइज करता है, उनको पात्रों के बीच घटित होते हुए देखता है, है ना। वहाँ आपका दृष्टिकोण क्या है ये देखने की ज़रूरत है जी। पूरा विराट उपन्यास है वार एंड पीस, उसमें तो आप कह ही सकते हैं सब मिला के ये निकलता है। मैं तो एक नाम ले रहा हूं, है ना। अब ऐसा है कि इन कहानियों में आपकी टोटल टोन क्या है। कभी कभी कहानीकार एक क्रूर आदमी को दिखाता है और उसके भीतर के पक्ष को, कोमल पक्ष को निकालने के लिए उस क्रूरता को भी बढ़ा देता है। तो ये सब डिवाइसेस हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई रचनाकार जो अच्छा एक कॉन्शियस सचेत किस्म का और जागरूक रचनाकार है वो मानव विरोधी कैसे हो सकता है, मेरी समझ नहीं आ सकती। वो एक चीज़ तो हो सकता है वो व्यक्ति केंद्रित हो, हाँ नहीं वो ये तो समझ में आता है, हाँ। और अपने से बाहर ही न निकले। जैसे हम कलावादियों के लिए अक्सर कहते हैं कि कलावादी अक्सर अतीत की तरफ ही जाते हैं और व्यक्ति के भीतर ही जाते रहते हैं, उनके पास यानी व्यक्तिगत अतीत के सिवा कुछ नहीं होता। वहीं पर वो मंथन और चर्वण या जो भी कुछ करते रहते हैं और उसे कहना चाहिए कि कब्रिस्तान पर पर्चीकारी कहिए उसे मैं कहता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि वो मनुष्य के पक्ष में नहीं है क्योंकि वो इतने ज़्यादा आत्म केंद्रित और आत्ममुग्ध होते हैं कि वो सिर्फ या तो अपनी पीड़ा देख पाते हैं व्यक्तिगत और या फिर रचना, लेखक रचना की खूबसूरती देख पाते हैं। रंजीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो साहित्य के प्रति निराशा है वो मतलब कुछ ज़्यादा है स्पष्ट रूप से। क्या इसका कारण हिंदी साहित्य में की जो या हिंदी पाठकों की, हिंदी समाज की जो स्थिति है उससे तो जुड़ा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पाठकों की और उस सब की मतलब नहीं, मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि अंततः अगर कोई लेखक लिखता है और पाठक उसको पढ़ते ही नहीं है, उस समाज में उसका कोई महत्व ही नहीं है, तो इससे जो जो हताशा पैदा होती है और उससे पहुँचने का जो आपका प्रयास है, जो आप पत्रकारिता की ओर गए, क्या उससे जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं नहीं, उसका एक बात बताइए, अगर उस नतीजे पर पहुँचना है तो निर्मल को सबसे पहले पहुँचना चाहिए था क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी भीतर की बातें ही लिखते थे, उनके पास करेक्टर भी दो एक ही हैं। मैं कहना मुझे ये लगता है जो आज मैं तटस्थ होकर देख सकता हूँ कि लगता है कि हम लोग वो जो उस समय का जो अस्तित्ववादी दर्शन था जी, जिसमें दूसरे नरक हैं, हम एक डेड एंड पर आ गए हैं, हमारा कुछ नहीं है, जिसको जिसको कॉमन है जैसे कहा कि शौर्य का अंतिम सत्य है कि आदमी आत्महत्या कर ले, जिंदगी चुनने का हमें अधिकार नहीं है, जन्म पर हमारा अधिकार नहीं है लेकिन मृत्यु पर तो हम चुनाव कर सकते हैं जी। तो शायद उस तरह एक व्यक्ति के रूप में कहानी में मैं अपने को एक डेड एंड पर पाता था। उस दर्शन से निकलने के लिए जिस आत्म उपचार की जरूरत थी वो मुझे वैचारिक लेखन में मिला। पर वैचारिक लेखन का भी, राजन जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप लगातार नैतिकता की बात कर रहे हैं और आपने जिस कहानी का उदाहरण दिया उस कहानी से निकलता है कि नैतिकता एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति की अलग हो सकती है, यही है ना नैतिकता की अवधारणा या विवेक। आप क्या ये मानते हैं कि आपकी नैतिकता, मेरी नैतिकता, मैनेजर पांडे की नैतिकता, हम सब की नैतिकता बिल्कुल अलग 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 नहीं है? देखिए जो बात मैंने कहानी सुनाई उसको अगर दूसरी तरह से कहें, अगर सेक्स पर ही नेट टिका दें तो वेश्याओं की तो कोई नैतिकता नहीं होती, जबकि यानी खूबसूरत कहानियां वेश्याओं पर लिखी गई। ऐसा है राजन जी, ये आपसे सुनते हुए मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। वेश्याओं की भी नैतिकता होती है लेकिन उनके अपने जीवन और पेशे से संबंधी नैतिकता होती है। देखिए ये कहना मानवीय नैतिकता नहीं होती, नहीं, नहीं, अलग होती है ना, होती है। आपको आप सब ये मानवीय नैतिकता का प्रमाण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आसमान से लिखित है, बल्कि मुझसे बेहतर आप उसको जानते हैं, कोई मुश्किल नहीं है।
कि एक आध बार उस मोहल्ले में आप गए हो, मैं देवदास को याद करना चाहता हूँ, उपन्यास को भी और फिल्म को भी। और बेस्याओं की मानवीय नैतिकता क्या होती है, इसका एक प्रमाण आपको देवदास में ही मिलेगा। आपने देखा है सब, हर वो दोनों को आप जानते हैं, मैंने फिल्म को भी जानते हैं और उपन्यास को भी जानते हैं। इसलिए ये कहना बेस्याओं के साथ जाती है कि उनकी कोई नैतिकता नहीं है, अगर वो तर्क हो, अब मानते हैं तो ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, नहीं मैंने कहा कि अगर ये उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो अगर सेक्स ही हो है ना तब तो फिर वेश्याओं को होती नहीं, 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 नहीं सेक्स नहीं हो, खाली सेक्स मामला थोड़े है, फिर बाकी दूसरी चीज है, मैं इस पर नहीं आ रहे, हम कहते हैं नैतिकता, खैर छोड़िए नैतिकता पर बहस हम लोग ना करें, हो गया जितना कर सकते काफी। मैं दूसरी बात आपसे पूछना ये चाहता हूँ, ये बताइए आपकी कहानियों के बारे में थोड़ी बात हुई, आपने बहुत सारे उपन्यास लिखे, उन उपन्यासों में जो मेरी जानकारी में सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है और जिस पर बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, सारा आकाश, मुझे कई बार लगता है कि जो कुछ आप बाद के दिनों में जो हिंदू समाज के दकियानूसीपन, रूढ़िवाद, जड़ता और भारतीय समाज में फैली हुई सांप्रदायिकता, खासतौर से हिंदू सांप्रदायिकता, उसके बारे में सोच विचार की प्रक्रिया आपके मन में बहुत पहले से थी, ये सारा आकाश से साबित होता है। मुझे ये केवल आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपके जितने उपन्यास हैं, जिनसे मैं पहले कह चुका हूँ कि उनमें से किसी को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता, आप ही के नहीं, निर्मल वर्मा के भी नहीं, किसी के नहीं, फिर भी आप सबसे अच्छा उपन्यास किसको मानते हैं? अपना? हाँ, अपना सबसे अच्छा उपन्यास मैं उखड़े हुए लोग मानता हूँ। अच्छा, इसलिए दो वजह से। हाँ, उसमें एक तो जो सामाजिक विडंबना है, सामाजिक आडंबर है, हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं, वो अपना खुले हुए रूप में सामने है। एक नेता भैया है, कांग्रेसी है वगैरह, वो सब तरह के दुष्ट आदमी है और भ्रष्ट आदमी है वगैरह वगैरह, उनके बरक्स एक यंग लड़के लड़कियाँ जो इस आडंबर और इस पूरे परिवेश से लगभग विद्रोह करते हैं। उस जमाने में मुझे ध्यान नहीं है कि कितने लोगों ने इस बात की, लिविंग इन की बात की थी, वो विवाह पर लंबी बहस करते हैं और इसके बाद दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, वो अपनी एक नैतिकता खुद तलाश करना चाहते हैं इस पूरे भ्रष्ट और अनैतिक वातावरण के बीच, तो एक कंट्रास्ट जैसा दिया, तो मुझे अपना उपन्यास वो अच्छा। तो इसका मतलब ये भी है कि जीवन के माने रचनात्मक और वैचारिक जीवन के अंत में जो कुछ आप कर रहे हैं उनमें से अनेक चीजों के बीज पहले मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल उसी नहीं, मैंने एक और तो ये अभी आप कर रहे हैं, आजकल तो स्त्री विमर्श के नाम पर आप इसी की वकालत कर रहे हैं, लिविंग जो लिविंग टुगेदर और वगैरह वगैरह इत्यादि, उसको स्वतंत्रता के एक रूप में, और ये पहले उसमें लिख चुके हैं। उसी तरह से जो सांप्रदायिकता के खिलाफ जो कुछ आपने लिखा है और सांप्रदायिकता से भी ज्यादा व्यापक चीज जो रूढ़िवाद है, जड़ता है, मानसिक जड़ता, उसके खिलाफ वो सारा आकाश में, तो इसलिए मुझे लगता ये है कि आपको ये लगता होगा कि रचनाएं जो जिस ढांचे खाके में आप लोग रचनाएं लिख रहे थे, सब नई कहानी के लोग, वो सामान्य पाठकों तक कम पहुंचती थी और इष्ट मित्रों तक ज्यादा पहुंचती थी। किस तक? इष्ट मित्रों तक। कभी आपको संप्रेषणीयता का संकट नहीं सामना करना पड़ा क्या? मुझे नहीं करना पड़ा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा ख्याल ऐसा तो शायद नहीं हुआ। राजन जी, मैं असल में मान पांडे जी के उस सवाल के जो बात थी उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे एक बात समझ में आई, ऐसा लगता है और मेरे ख्याल से कि आप लगातार जो परिवार संस्था है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रांत हैं और बार बार उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लिविंग इन का मामला हो, चाहे वो सेक्स की यौन स्वतंत्रता का मामला हो, या जो छूट हो, या जो जहां लक्ष्मी कहते हैं जहां वो औरत पर दबाव हो। क्या ये बात है? आपको लगता है आप परिवार
संस्था को परिवार यानी विवाह संस्था को विवाह संस्था छोटी बात है जिम्मेदार और उससे नहीं मुझे लगता है जो तुमसे बात करते हुए लगता है कि शायद ये बात सच है। विवाह सबसे पहले विवाह का जो गठन परिवार का जो गठन है प्रोसिक्यूशन और सारे ऑपरेशन वो सारा काश में है सबसे ज्यादा भयंकर यात्रा बर्दाश्त करती है वो औरत है प्रभा नाम से। बाद में धीरे धीरे उससे मुक्त होने की कोशिश है यानी इसमें विवाह ही को इनकार है। ये शायद हो सकता है कि मेरा एक मेन कंसर्न या मेन चिंता रही हो और उसी का धीरे धीरे विकास हुआ हो मुझे मानना पड़ेगा। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस पर सोचिए कि बहुत सारी चीजें आपके चिंतन के स्तर पर विचार के स्तर पर बाद में आई हैं जिनके बीज रूप में कहीं ना कहीं आपकी रचनाशीलता में मौजूद है। तब से मैं यही कहना चाहता हूँ इसमें जो सिलसिला यह है कि प्रकारांतर से आप सामंतवाद जिसकी जड़ें अभी तक हमारे समाज में इतने ज्यादा मौजूद हैं उसको उस पर कहीं ना कहीं आक्रमण करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि परिवार का जो बनावट है ढांचा बिल्कुल पूरी तरह से है ना पहले वो टूटा संयुक्त परिवार टूटा एकल परिवार हुआ। एकल परिवार में जो मेल डोमिनेशन और मेल साइकोलॉजी से मुक्त नहीं हो पाए हमारी इस पूरी नई कहानी का संघर्ष यह है कि जैसे ही महिला आत्मसमर्थ होती है आत्मनिर्भर होती है चेतस होती जागरूक होती है तो वो जो पुरुष है उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। जैसे मोहन राकेश का तो पूरी थीम ही है सभी की चाहे वो अषाढ़ का एक दिन हो वो उस राजकुमारी से एडजस्ट नहीं कर पाता कालिदास वो एडजस्ट कर पाता है उस अनपढ़ समर्पणशील और व्यक्तित्वहीन किस्म की उस औरत से। यही उसने अंधेरे का बंद कमरे में तो हमारे हम में से ज़्यादातर लोगों का संघर्ष ये था कि हम बराबर की स्त्री एक विवेकवान साहसी उन्हें उस स्त्री के उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाया।